रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती युद्ध की संभावना के बीच हिमाचल सरकार ने उन तमाम युवाओं से वापस लौटने की अपील की है जो अपनी पढ़ाई करने या काम करने के लिए इन दोनों देशों में गए हुए हैं। दरअसल केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जिसके तहत राज्यों को यूक्रेन और रूस में रह रहे भारतीय युवाओं को वापस बुलाने की कोशिश करने को कहा गया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी अपील में कहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध संभावना को देखते हुए तमाम युवा वापस लौट आए जो इन दो देशों में पढ़ाई या काम करने के लिए गए हुए हैं। सूबे के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस बाबत कहा कि हिमाचल प्रदेश से भी कई युवा रूस और यूक्रेन में उच्च शिक्षा हासिल करने गए हैं जिन्हें तुरंत वापस लौट आना चाहिए। हालांकि ऐसे युवाओं का आंकड़ा अकीतन है जिसका ब्यौरा फिलहाल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, हमारे देश से यूक्रेन, रशिया, चाइना इत्यादि देशों में विशेष रूप से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो है वो बच्चे जाते हैं। यूक्रेन में और रशिया में काफ़ी संख्या में जो है वो हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन आजकल चल रही है, जिसके कारण जो है वो युद्ध की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतवासियों को जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि वो समय रहते जो है वो यूक्रेन को छोड़ करके अपने देश जो है वापस आ जाएं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई फ्लाइट्स इत्यादि जो है वो बंद हों। तो हिमाचल प्रदेश के भी जो छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं या कोई अन्य लोग भी वहाँ पर हैं, उन सबसे जो है वो हमारा निवेदन है कि वो भारत सरकार की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए जो है वो वापस आ जाएं, क्योंकि जान से बड़ा जो है वो पैसा नहीं हो सकता है। और अभी वापस आ जाएंगे तो परिवार को भी चिंता नहीं रहेगी और देशवासियों को भी चिंता नहीं होगी, सरकार को भी नहीं होगी। तो लेकिन कितनी संख्या है इनकी, ये एग्जैक्ट जानकारी जो है वो शायद सरकार के पास भी अभी नहीं है, लेकिन तुरंत जो है वो ये वापस आ जाएं, ऐसा सभी से जो है वो हम अपील करते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।